सब्सक्राइब कर लें क्यूसीएल को बेहतरीन नॉलेज शितलाब के लिए, हिट कर लें बेल आइकन को भी ताकि हर वीडियो के अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब टू क्यूसीएल, हिट द बेल आइकन आल्सो, यू विल नॉट मिस एनी नोटिफिकेशन ऑफ न्यू अपडेटेड वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज है 15th of November 2019। आज के करंट अफेयर के सेशन में मैं आपका वेलकम करती हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये जो वीडियो करंट अफेयर का मैं भेज रही हूँ, मेरा रिक्वेस्ट है ये और जितने वीडियो मैंने आपको भेजे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आप प्लीज़ प्लीज़ सबको फुल वॉच कर लीजिए। वॉच करते करते लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे अच्छा लगे और पता भी चल जाए, मुझे भी मोटिवेशन मिले। और लाइक करने के बाद शेयर ज़रूर करें जहाँ भी आप हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पर हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कमेंट्स ज़रूर सेंड करें। कैसा लगता है कंटेंट आपको ज़रूर बताएं, कम्प्लीटली देखें। अच्छा, इसके अलावा आपको कोई वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पर, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए लेते हैं 15 नवंबर का पहला क्वेश्चन। कि पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डायबिटीज़ डे कब मनाया गया है? तो डायबिटीज़ डे मनाया गया है 14th of November को। कब? 14th of November को डायबिटीज़ डे मनाया गया। इसको WHO और इंटरनेशनल डायबिटीज़ फाउंडेशन फेडरेशन और इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बनाते हैं। अच्छा, ये जो डायबिटीज़ डे है जो 14th November को मनाया जा रहा है, ये 14th को ही क्यों मनाया जाता है? तो एक्चुअली इनका नाम है फेडरिक। तो इनका नाम है फेडरिक और इन्होंने एक है चार्ल्स बेस्ट और एक है फेडरिक और उनका पूरा नाम मुझे एक्चुअली खुद को याद नहीं है। तो फेडरिक और चार्ल्स बेस्ट दो साइंटिस्ट थे, तो जिसमें से कि जो साइंटिस्ट फेडरिक थे उनका जन्मदिवस होता है, जन्मदिन है 14th of November को। इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। किसकी? इंसुलिन की। और इन दोनों ने मिलकर की थी, चार्ल्स बेस्ट और फेडरिक ने। तो फेडरिक और चार्ल्स बेस्ट इन दोनों ने मिलकर इंसुलिन की खोज की थी और फेडरिक जो है उनका बर्थडे है, इसकी वजह से इस जयंती पर ही ये मनाया जाता है डायबिटीज़ डे, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। इसकी थीम भी याद रखिए, डायबिटीज़ एंड फैमिली। क्या? डायबिटीज़ एंड फैमिलीज़, ये इसकी थीम है। देखिए, मैंने वैसे तो आपको सारे इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ हैं आज तक, वो मैंने नवंबर के सब बताए हैं। आपसे बार बार कहती हूँ कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, सच में आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप लोगों को मैंने कल भी सारे इंपॉर्टेंट डेज़ बता दिए हैं, ठीक है? तो आज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और फुल वॉच करें। चलिए ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पेरिस सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो पेरिस सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है पेरिस में ही। देखिए, पेरिस में हुआ है और ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ मिलकर विकास के लिए काम करने और शांति को बनाए रखने के लिए ये पेरिस सम्मेलन होता है हमेशा, और इसका दूसरा संस्करण अभी दूसरा था, ये पेरिस में ही आयोजित हुआ है, ठीक है? ज़रा ध्यान कीजिए, किसकी कैपिटल बताती हूँ मैं आपको, पेरिस किसकी कैपिटल है, कैपिटल करेंसी, और ज़रा प्रेसिडेंट और पीएम का नाम ध्यान कीजिए, रिवाइज कीजिए, ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान बिजनेस मीटिंग की पांचवी कॉन्फ्रेंस। क्या? आसियान बिजनेस कॉन्फ्रेंस की पांचवी सबमिट कहिए, या तो आप ऐसे कहेंगे आसियान बिजनेस कॉन्फ्रेंस की पांचवी सबमिट, या आसियान बिजनेस समिट का कॉन्फ्रेंस, ये पांचवा था। ये कहाँ भी आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में।
देखिए आसियान बहुत इंपॉर्टेंट है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया के जकार्ता में, और जकार्ता में भी कैपिटल भी है जो बोर्नियो द्वीप पर शिफ्ट होने वाली है, आपको बताया था ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जोको विडोडो दोबारा प्रधानमंत्री बन गए हैं वहाँ के, ये भी याद रखिएगा। इंडोनेशियन रुपया करेंसी है इसकी, तो ये सारी बातें आप याद रखिए। आसियान के लिंग जॉक हुई, ये इसके सेक्रेटरी हैं, कौन है लिंग जॉक हुई ठीक। चलिए योगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन अभी कहाँ हुआ है, तो योगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है अभी बेंगलुरु में, कहाँ बेंगलुरु में, ये बेंगलुरु में हुआ है और कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है तो कर्नाटक में हुआ है ठीक। तो ये योगा अंतर्राष्ट्रीय, एक्चुअली क्या है कि इसमें योगा जो है, योगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके महत्व बताने और इसके बेनिफिट्स से परिचित करवाने के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया है ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बाली उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, बाली उत्सव, तो बाली उत्सव आयोजित हुआ है कहाँ, ओडिशा में। देखिए ये समुद्री जितने भी अभ्यास होते हैं और जो समुद्री समंदर से जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं उन सारे चीज़, मतलब अभी तक जितना भी हमें मैरीन लेवल पर जितना भी बेनिफिट है उन सारे बेनिफिट्स को याद करने और याद दिलाने के लिए और जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है, क्या ये मनाया जाता है उत्सव, कौन सा बाली उत्सव, और ये कहाँ मनाया गया, ओडिशा में, ओडिशा के महानदी तट पर, कहाँ मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है महानदी तट पर। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है, गणेशी लाल इसके गवर्नर और नवीन पटनायक इसके मुख्यमंत्री हैं, और ये आपको सब पता ही है। अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण हुआ है सफलतापूर्वक, कहाँ, APJ अब्दुल कलाम द्वीप, और इसका पहले नाम क्या था, व्हीलर द्वीप, तो इतना आप इसके बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी टाइम्स हंड्रेड की एक रिपोर्ट आई है, तो उस रिपोर्ट में, उस रिपोर्ट में भारत के किस खिलाड़ी को स्थान मिला है, तो दुती चंद ने अभी थोड़े दिन पहले एक गोल्ड मेडल जीता था जो मैंने आपको बताया था, किस खेल में, किस स्पोर्ट में जीता है, थोड़ा ध्यान कीजिए, दुती चंद किसके खिलाड़ी हैं। तो ये जो टाइम्स की रिपोर्ट आती है, टाइम्स हंड्रेड की रिपोर्ट, ये सामाजिक सहकारिता, संगीत, स्पोर्ट्स है ना, आर्ट एंड कल्चर, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों में जो लोग उत्कृष्ट काम करते हैं उत्कृष्टता के साथ, उनके उन्हीं में से सिलेक्टिव लोगों को, 100 लोगों को चुना जाता है दुनिया भर के, तो उसमें स्थान मिला है कहाँ, दुती चंद को, किसको मिला है, दुती चंद को ठीक है। दुती चंद का नाम याद रखिएगा, आप ज़रा सा सोचिए कि किस खेल के ये जो है खिलाड़ी हैं ठीक। चलिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी मोहम्मद रफ़ीक को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, किस राज्य हाई कोर्ट के का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, तो मोहम्मद रफ़ीक जी को बनाया गया है कहाँ का, मेघालय हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अब चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय बने हैं मेघालय हाई कोर्ट के ठीक है। तो ये जो है मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग, और कांग्रेट संगमा इसके मुख्यमंत्री है तथागत रॉय, कौन है गवर्नर है, CM है कौन, कांग्रेट संगमा, और कांग्रेट संगमा के अलावा कौन है, तथागत रॉय कौन है गवर्नर ठीक है, शिलोंग कैपिटल है। अच्छा इससे पहले मैंने आपको कमलेश्वर प्रसाद का भी बताया था, वो किसके थे, मैंने बताया था तमिलनाडु के बनाए गए हैं, तो तमिलनाडु में क्या, मद्रास हाई कोर्ट के बनाए गए हैं, याद रखिएगा तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो मैंने आपको बताया आसियान की 67वीं जो अभी बिजनेस समिट हुई है वो कहाँ आयोजित हुई है, नई दिल्ली में। कहाँ पे वो 67वीं बोल रही, सॉरी, आसियान की जो भी 5वीं समिट, आसियान बिजनेस समिट का या आसियान बिजनेस कॉन्फ्रेंस का जो समिट हुआ है 5वां, वो भी कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में, याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अभी हाल ही में ब्रिक्स यंग इनोवेटर अवार्ड किसने जीता है, ब्रिक्स यंग इनोवेटर अवार्ड किसने जीता है, तो ब्रिक्स यंग इनोवेटर अवार्ड जीता है रवि प्रकाश ने। अब देखिए, ये जो रवि प्रकाश हैं ये एक्चुअली अपने इंडिया के हैं, और इन्होंने एक मतलब को स्टोर के लिए एक मिल्क चिलिंग स्टोर बनाया है, मिल्क चिल स्टोर बनाया है कि आप दूध को कितने दिन तक भी स्टोर करके रख सकते हैं, और दूध जो मिल्क है वो एज इट इज़ रहेगा, ऐसे कि ऐसा रहेगा। इन्होंने एक ऐसा चिल स्टोर बनाया है ना, कि मिल्क को स्टोरेज कैसे कर सकते हैं, तो इसी के लिए उनको ब्रिक्स यंग इनोवेटर अवार्ड मिला है, किसको, रवि प्रकाश को। अब ब्रिक्स की बात आई है, तो भाई ब्रिक्स की देखिए कैपिटल क्या है, वो सॉरी ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी, और ब्रिक्स में जो साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया था, पहले ये BRIC था, और जब ब्रिक्स बना एस को इसमें इंक्लूड किया गया साउथ अफ्रीका को, तो 2010 में, याद रखना है आपको, ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब और तो आपका कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, और तो नहीं, और बस इतना ही, ठीक है। आज अगर कोई क्वेश्चन होगा भी तो मैं कल के सेशन में देख लूँगी, बाकी इतना आज आप याद रखिए। प्लीज़ वॉच, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।